गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा है यूज़र डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ इन सी शार्प, यानी अपनी प्रॉपर्टीज़ यूज़र डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सी शार्प में जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कैन रीड ओनली और राइट ओनली। रीड ओनली प्रॉपर्टी बना सकते हैं, राइट ओनली प्रॉपर्टी बना सकते हैं। यू कैन हैव लॉजिक व्हाइल सेटिंग्स वैल्यूज इन सी शार्प प्रॉपर्टी, अपने वैल्यूज जो आप सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। वी मेक्स द क्लास प्राइवेट, क्लास प्राइवेट बना, सो फील्ड्स कैन एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास डायरेक्टरी। अगर आप किसी फील्ड्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना चाहते तो उसकी जगह के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ को हम बनाते कैसे, एक एग्जाम्पल देके आपको हम बताएंगे। हमने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट लिया, किसको लिया हमने, न्यू प्रोजेक्ट को यहाँ से लिया, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद हमने यहाँ से यूजर डेमो, यूजर डिफाइंड प्रॉपर्टी डेमो, इसको हमने यहां से ओके किया। न्यू प्रोजेक्ट हमारा यहाँ से क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी बनाते हैं। क्या बनाते हैं अपनी प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास डिफाइन करेंगे, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम जैसे हम दे दिया यहाँ पे एम्प्लॉय। अब हमने यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग में, अब हमने एक प्रॉपर्टी बनाई, तो प्रॉपर्टी बनाने का तरीका क्या है, पब्लिक। अब देखो इसको हमने प्राइवेट बनाया है पर इसको हम मेन फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट अगर हमें इसे यूज़ करना है तो हम उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, प्राइवेट, उसका प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पे किया पब्लिक स्ट्रिंग और नेम जैसे दिया हमने यहाँ पे नेम। उसके बाद जैसे कर्ली ब्रैकेट लगाया आप यहाँ पे, आप दे सकते हैं गेट, गेट हो गया, यहीं पे इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं सेट या आपका। अब आप यहाँ पे दे सकते हैं रिटर्न नेम, क्या दे सकते हैं, रिटर्न नेम, और यहां पे कर सकते हैं नेम इक्वल टू, नेम इक्वल टू वैल्यू। ये आपकी यहां से देखिए प्रॉपर्टी बन गई। अब इस क्लास के अंदर आए, हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, एम्प्लॉय ई वन इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय उसके बाद आपने यहां से किया e1 डॉट नेम इक्वल टू, हमने यहां पे कोई भी नाम असाइन कर दिया, जैसे मैं कर दूं AWASTHI, क्या कर दूं। उसके बाद यहां सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया। इसको अगर आपको प्रिंट करना है तो आप कैसे यूज करेंगे, कंसोल, कंसोल डॉट राइट लाइन, आपने नेम इक्वल टू, और यहाँ पे आपने इसको प्रिंट करा, सॉरी अब आपने यहाँ पे प्रिंट करा ई वन डॉट, यहाँ पे किया आपने कंसोल डॉट रीड की, क्या कर दी, कंसोल डॉट रीड, क्लियर। अब आप इसको रन कराए यहाँ से,
ये देखिए प्रोग्राम आपका यहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, दुष्यंत अवस्थी आपके नाम से प्रिंट हो गया। अब जैसे यहाँ पे इस टाइप से भी आप देख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे दे दिया दुष्यंत, क्या दे दिया दुष्यंत, और यहाँ पे आप इसके साथ भी कोई वैल्यू मर्ज करना चाहते हैं तो वो भी वैल्यू भी यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्लस लगाइए डबल कोट, और डबल कोट के अंदर जैसे आपने दिया ए डब्ल्यू, देखिए अब इसके साथ वैल्यू आपकी क्लियर। तो इस टाइप से भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, नॉर्मल प्रॉपर्टी। अब एक प्रॉपर्टी के एग्जांपल बनाते हैं अपन, रीड ओनली प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, रीड ओनली प्रॉपर्टी। तो जैसे अपन इसको ही हटा देते हैं पूरा, दोबारा इसको डिफाइन करेंगे, इसके स्क्रीनशॉट लेते जाया करिए आप लोग, ठीक। अब अपन प्रॉपर्टी बनाते हैं रीड ओनली प्रॉपर्टी, कैसी, हमने शायद ये डॉट वी वी डॉट नेट में भी आपको बताया। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल रीड ओनली तो रीड ओनली प्रॉपर्टी अपन बनाते हैं। तो जब रीड ओनली प्रॉपर्टी बनाते हैं तो सिर्फ उसमें एक ही सेट और गेट में सिर्फ एक ही आता है, वो कौन आता है, सेट आता है। क्या आता है, गेट आता है, सेट नहीं आता। तो जैसे हमने आप लिया पब्लिक, जैसे हमने लिया पब्लिक क्लास, क्लास का नाम जैसे हमने लिया एम्प्लॉय, क्लास का नाम क्या है एम्प्लॉय, और यहाँ पर हमने दे दिया प्राइवेट स्टैटिक इंट, क्या दे दिया हमने नाम, सपोज है इसका काउंटर, प्राइवेट काउंटर। और यहाँ पर हमने यूज किया पब्लिक एम्प्लॉय, इसके अंदर काउंटर को हमने क्या कर दिया, काउंटर की वैल्यू को प्लस प्लस में। अब हमें यहाँ पे क्या कराना है, रीड ओनली प्रॉपर्टी बनाना। कैसी प्रॉपर्टी बना, रीड ओनली प्रॉपर्टी बना। तो हमने यहाँ पे दे दिया पब्लिक स्टैटिक इंट और नाम दे दिया इसका काउंटर। अब हमने आपको क्या बताया, जब हम रीड ओनली प्रॉपर्टी बनाते हैं तो हम ओनली गेट यूज करते हैं। यहाँ पे दे दिया रिटर्न। अब हम जब मेन फंक्शन के अंदर आएंगे, किसके अंदर आएंगे, मेन फंक्शंस के अंदर आएंगे, तो हमने जैसे मेन फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय ई वन इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक है, ये हमने बनाया। तो अब हम ई डॉट ई वन करके डॉट, देखिए हमें यहाँ प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है, हमें काउंटर प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं मिलनी, क्लियर। कौन सी प्रॉपर्टी, काउंटर प्रॉपर्टी हमको यहाँ से नहीं मिलनी, क्योंकि काउंटर प्रॉपर्टी को हम यहाँ से यूज़ कर ही नहीं सकते। अब जैसे अपन ने क्या बनाया इसको, पब्लिक स्टैटिक एंड काउंटर, क्या बना, पब्लिक स्टैटिक काउंटर। अब यहाँ पे जैसे हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया वाई डॉट ई टू इक्वल टू न्यू टू, और अब अगर प्रिंट कराएंगे तो हमको ये प्रिंट कंसोल डॉट राइट लाइन, हमने यहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कैसे नंबर ऑफ यहां पर हमने कर दिया, किसी को भी प्रिंट करा सकते एम्प्लॉय डॉट काउंटर .com। तो इस टाइप से ये जो प्रॉपर्टी बन गई हमारी, कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, रीड ओनली प्रॉपर्टी, क्लियर। चलते नेक्स्ट,
ये हमने आपको इसमें प्रॉपर्टी बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब चलिए नेक्स्ट का टॉपिक हमारे पास है इनहेरिटेंस। क्या है इनहेरिटेंस? अब देखिए इनहेरिटेंस आप लोग जानते हैं क्या होता है। किसी एग्जिस्टिंग क्लास में स्वयं के फीचर होने के साथ साथ किसी अनादर क्लास के अगर फीचर्स होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस, यानी उत्तराधिकार, जो किसी चीज़ को विरासत में लेता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक क्लास ए है और एक क्लास हमारे पास बी है, अगर ए को बी के अंदर इनहेरिट किया तो ए हमारी बेस क्लास है। कौन सी क्लास है हमारे पास? बेस क्लास। और ये हमारी चाइल्ड क्लास, या इसको पेरेंट क्लास भी बोलते हैं और इसको अपन ड्राइव क्लास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस क्लास, ड्राइव क्लास, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, इस नामों से भी इनको अपन जानते हैं। क्लियर? या इसको अपन रूट क्लास, रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट। क्लियर? अब इनहेरिटेंस देखिए, ऐसे हमारे पास इनहेरिटेंस के फायदा क्या हमारे पास? इनहेरिटेंस से हम किसी कोड में रिजबिलिटी कर सकते हैं, यानी कोड का क्या कर सकते हैं? रिजबिलिटी कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उस कोड और उस चीज़ से हमारे पास क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी होता है। ये दो फीचर्स हैं, रिजबिलिटी ऑफ कोड और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एक्सटेंडेड क्लास, अगर हम जब हम किसी एक क्लास को यानी एक इनहेरिटेंस करते हैं तो इनहेरिटेंस करने के लिए हमारे पास हम यूज़ करते हैं कॉलन, बिल्कुल सी प्लस प्लस की तरह। तो पब्लिक क्लास का नाम, क्लास ड्राइव क्लास कॉलन, पेरेंट क्लास का नाम। तो इनहेरिट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिंगल कॉलन का यूज़ करते हैं बेस क्लास को, ड्राइव क्लास में हम इनहेरिटेंस करते हैं। क्लियर? अब देखिए एक एग्जांपल देखिए हम आपको इनहेरिटेंस का बताते हैं कि इनहेरिटेंस को हम यूज़ करें। इनहेरिटेंस देखिए हमारे पास पाँच इनहेरिटेंस इसमें भी होती है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, अलग अलग टाइप की, हाइब्रिड, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो आज अपन देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। क्या देखते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस कैसे अपन करते हैं इसमें। ठीक है, चलिए एक डॉट नेट पे चलते हैं, सबसे टॉप पे, इसको सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। तो पब्लिक क्लास का नाम जैसे ले लिया अपन ने एम्प्लॉय के अंदर अपन ने मेंबर ले लिया प्राइवेट इंट आईडी प्राइवेट स्ट्रिंग नेम प्राइवेट इंट एज, ये अपन ने यहाँ से ले लिए। ठीक, अब इसके अंदर मेथड बना ली पब्लिक वॉइड कैट डेटा, तो कंसोल डॉट राइट एंटर द आईडी, क्या कर दिया अपन एंटर द आईडी, फिर यहाँ पे कर दिया आईडी इक्वल टू कंसोल डॉट रीड और यहाँ पे कर दिया अपन इंट डॉट पार्स, इंट डॉट पार्स यहाँ पे कर दिया अपन ने एंटर द नेम, यहाँ पे इसको हटा देंगे यहाँ से, यहाँ पे अपन कर देंगे नेम। ठीक है, इसके बाद अपन यहाँ पे किया एंटर द एज, यहाँ पे अपन कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक मेथड अपन बनाए पब्लिक वाइड शो, कंसोल डॉट राइट और यहाँ पे क्या
थ्रेशोल्ड डॉट नेम थ्रेशोल्ड डॉट राइट उसके बाद हमने यहाँ से फिल कर उसके बाद एक क्लास ली क्लास का नाम जिसे वो पब्लिक क्लास क्लास का नाम जिसे दिया हमने सैलरी कॉलन इनहेरिट कराया उसको अब यहाँ पे हमने बनाया प्राइवेट int cell method बनाया public void get salary get salary यहाँ पे console dot write line enter the salary सेल कैटेगरी एंटर द सेल तो यहाँ पे सेल सेल और यहाँ पे कर दिया एंटर द सेल क्या कर दिया अपन ये हमारे पास अब एक मेथड हमने यहाँ पे बनाया पब्लिक void public void show salary public void show salary print kar raha console dot write line salary column यहाँ पे सेल को तो ये हमने क्लास बनाई अब देखिए यहाँ पर हम समझाते हैं हमने एक एम्प्लॉय क्लास ली एम्प्लॉय क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर इंट आईडी नेम एज लिया उसके बाद इसके अंदर हमने एक गेट डेटा मेथड लिया उसके अंदर एंटर द आईडी एंटर द नेम ये सारे डेटा हमने ऐड करा लिए उसके बाद वैल्यू को हमने यहाँ से क्या कराया शो कराया वैल्यू को हमने यहाँ से क्या कराया वो शो कराया हुआ वैल्यू को शो कराया ठीक है उसके बाद हमने इनहेरिट किया एक सैलरी क्लास ली सैलरी क्लास के अंदर बेस क्लास को इनहेरिट किया यानी बेस क्लास हमारी कौन सी एम्प्लॉय नाम की सैलरी को हमने इनहेरिट किया इसके अंदर ठीक फिर एम्प्लॉय नाम का जो हमने डेटा मेंबर लिया वो क्या लिया सैलरी अगेन हमने एक मेथड बनाया पब्लिक वाइड गेट सैलरी ये देखिए एंटर द सैलरी एंटर द एज पब्लिक वाइड शो सैलरी यहाँ पर हमने पूरा बनाया अब जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेते हैं किसका ड्राइव क्लास का तो ड्राइव क्लास हमारे पास किस नाम से है ड्राइव क्लास का नाम क्या हमारे पास तो ड्राइव क्लास हमारे पास है सैलरी क्या सैलरी सैलरी का ऑब्जेक्ट लिया ओ बी जे इक्वल टू न्यू ये देखिए सैलरी का हमने ऑब्जेक्ट क्या लिया सैलरी क्लियर उसके बाद क्या किया उसके बाद हमने यहाँ पे किया obj dot यहाँ पर हमने क्या किया get data data get करा ली ये देखिए बेस क्लास कॉल होगी उसके बाद हमने किया obj dot get salary salary को अपने यहाँ से क्या करा ली get करा लिया उसके बाद अपने क्या किया obj dot show data data को show करा लिया उसके बाद अपने क्या किया obj dot show सैलरी सैलरी को हमने यहाँ से शो करा लिया ठीक है उसके बाद हमने यहाँ से तीनों को एक्सिक्यूट कराया प्रोग्राम प्रोग्राम को क्या हमने एक्सिक्यूट कराया आई डाली वन नाम डाला हमने एज डाली सैलरी डाली ये देखिए डेटा हमारा यहाँ से प्रिंट हो गया पूरा डेटा हमने यहाँ से किसको करा लिया प्रिंट करा लिया तो ये हमने आज सिंपल एक एनालिटिक्स का एग्जांपल दिया
इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास में अपन इनहेरिटेंस को देखेंगे और उनके जो भी टाइप्स हैं उन टाइप्स को अपन यहाँ से करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।